मैं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के गोरेगांव इलाके में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये चार लोग ऐसे ठगने वालों में से हैं जिन्होंने लोगों से लाखों की ठगी की है। आपको बता दें कि इन चार लोगों में से नकली सीबीआई और नकली पुलिस वाले हैं। इन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी में घुसकर सीबीआई और नकली पुलिस का ढोंग कर बिजनेसमैन से 5 लाख की मांग की और पुलिस को पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनमें से दो लोग पुलिस की स्कॉर्पियो से फरार हो गए। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि उन्नत नगर गोरेगांव वेस्ट, यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में कोई सीबीआई ऑफिसर और मुंबई पुलिस ऑफिसर करके अंदर एंट्री करके पैसा मांग रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, चार लोगों को दबोच लिया। इसमें टोटल चार आरोपी पकड़े हैं जिनके पास से सीबीआई का और मुंबई पुलिस का बनावट फर्जी आइडेंटिटी कार्ड मिला है और अदर उनका साथी है जो भाग गए हैं, उनका हम लोग तलाश जारी है। चारों में एक है जो सीबीआई ऑफिसर करके इंट्रोड्यूस किया है, वो जीवा अर्जुन अहिर करके है। दूसरा एक जो इंडस टावर कंपनी जो फाइनेंस कंपनी है, वो फाइनेंस देने के बहाने से आया था, उसका नाम है गिरीश वालिचा। उसके ऊपर इसके पहले भी कोई गुनाह दाखिल है 395 वगैरह। किशोर चौबल और उन्होंने जो उनके पास से आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिले हैं, वो बोगस आइडेंटिटी कार्ड मिले, कोई आधार कार्ड बोगस मिला है। लोन के लिए चाहिए था 1 करोड़ का लोन, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का लोन, तो उसके लिए लोन मिला बना के देते करके बात करके उनसे 5 लाख का कैश मंगवाया था। और जैसे कैश मंगाया तो उसने एक सीबीआई का ऑफिसर ऐसा कार्ड देखा कि उनके पास से एक्सटॉर्शन के 5 लाख का एक्सटॉर्शन कर लिया था।